एक बात समझ में नहीं आती है कि शायद 15 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री जी किसी मर्डर केस के बारे में प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उसके बाद स्पीडी ट्रायल के बारे में दो दो तीन तीन बार अपने आवाज में कहते हैं। पहली बार किसी हत्या के केस में सुशील मोदी 2 दिन के बाद पहुंचते हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चलिए, लाखों हत्या के बाद सुशील मोदी की नींद जगी, आखिर क्या कारण है? कल फिर पटना में 2 मर्डर हुए, लगातार मर्डर पे मर्डर, हत्या, मासूम बच्ची का बलात्कार सुशील मोदी देख नहीं पाते हैं। सुशील मोदी जी, यह सवाल आप अपने बालू माफिया से क्यों नहीं कर पाते? यह सवाल जिसको आप परसरा देते हैं जमीन माफिया, उनसे क्यों नहीं कर पाते? जो जमीन, बालू, शराबों के माफियाओं के बीच अपराध का नेक्सस है, क्या यह सब कवायद बड़ी मछलियों को बचाने की है, इस हत्या को डाइवर्ट करने की है? क्या यह घटना लोगों के आंख में धूल झोंकने की है? 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना और हमेशा कभी ठेका, कभी कुछ, कभी कुछ, कई एसआईटी जांच का हश्र क्या हुआ? एक एसआईटी जांच नहीं है क्या? आपको एसआईटी जांच पर भरोसा है क्या? इस देरी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है क्या? रुपेश सिंह के मोबाइल को आज तक नहीं खंगाला गया जिसमें मौत के राज छुपे हुए हैं? मुझे लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी का जो हश्र हुआ सुशांत का, क्या रुपेश का हश्र वही तो नहीं होगा? मेरा बिहार सरकार से आग्रह है कि रुपेश के मर्डर के बाद उसके बच्चे, उसके पत्नी को न पति मिलेगा न पिता। एसपीडी ट्रायल आप कर भी लेंगे, बड़ी मछली को बचा भी लेंगे, तो क्या बिहार में प्रत्येक दिन जो बड़ी घटना घट रही है क्या वो रुकेगा? सवाल यहां है मुख्यमंत्री जी, क्या बिहार में अपराध रुकेंगे कि नहीं? बार बार यह कहना कि क्या भूल गए जंगल राज? मुख्यमंत्री जी, 15 साल 17 साल पुरानी बातों को आज याद नहीं की जा सकती। आज पूरा 17 साल के बच्चे जो बड़े हुए हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि कब तक मेरा पिता, मेरे पत्नी, मेरे मेरा बेटा वापस नहीं लौटेगा? ये अहम सवाल है इस बिहार का। और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी इस केस को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं आग्रह करूंगा इसकी पूरी जांच हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में यदि सरकार 7 दिनों के अंदर, उस दिन भी कहा था कि यदि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो हम पीआईएल फाइल करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या बिहार का हर घर सुरक्षित होगा यदि? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।